आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र में एक और बड़े भूमि के घोटाले का मामला सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकाल प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और आरोप लगाया कि चारगाह की भूमि का ब्लॉक बदलकर भूमाफिया 20 करोड़ की कीमत में जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें के अधिकारी के शामिल होने की बात सामने आ रही। वहीं से पूरे मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ की कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी चरागाह की जमीन को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के आदेश कर एक अननोन सिब्बन नाम के व्यक्ति के नाम कर दी, जिसकी कि कोई सामाजिक हैसियत भी नहीं है। लोग उसको बताते हैं मन बुद्धि का व्यक्ति है, तो निश्चित है कि सिब्बन की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब करे। इसके पीछे जरूर कोई सफ़ेद पोस्ट भूमाफिया जो हैं उनका हाथ होगा, जो उन्होंने पूरी कार्रवाई मैनेज की और करने के बाद में उस जमीन का बिक्री भी शुरू कर। जनपदों के दौरे पर निकले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने शनिवार को प्रतापगढ़ विकास भवन सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की। वहीं इस दौरान प्रयागराज में कल हुए जुमे के दिन हुए बवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्थितियां पूरी तरह नियंत्रित है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी जनमानस दिखाई दे है, बड़ी विशाल जनसभा हुई है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जिला प्रशासन के साथ भी हम लोग बैठने जा रहे हैं। प्रयागराज में जो कल बवाल हुआ है, आप प्रभारी भी हैं, तो क्या मानते हैं आप? यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुलंदशहर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही राकेश टिकैत ने हाईवे पर रोड शो निकाल कर तल्खी का संदेश दिया। वहीं ये रोड शो बुलंदशहर, औरंगाबाद और स्याना में निकाला गया। प्रोग्राम आगे बुलंदशहर में प्रोग्राम है, अनूप शहर में प्रोग्राम है और यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो परिवार के सदस्य हमारे बीच से चले गए तो उनके वहाँ पे भी जाना पड़ता है, उनके परिवार से मिलना पड़ता है। हमारा ये है कि संगठन को ठीक रखो, मजबूत रखो, सरकार से बातचीत करो जी। वो चाहे गन्ना भुगतान का है या सारी फसलों पे MSP की गारंटी का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी का हो, बिजली के मीटर लगने का हो, तो अपनी बात सरकारों तक कहते रहे और वो जब होगी, जब संगठन मजबूत होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंद शहर में मरीजों के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के लिए अब शासन से एक दो नहीं बल्कि लगभग 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा दोनों को मिलाकर लगभग 34,000 डेटा का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। बता दें कि इस फर्जीवाड़े में 102 और 108 एम्बुलेंस पर कॉल कर ज्यादा बिल बनाकर सरकार से वसूला जाता था। गरीब मरीजों के जल्द स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अस्पताल छोड़ने के काम में एम्बुलेंस सेवाएं देने वाली कंपनी के बड़े फर्जीवाड़े की अब जनपद में जांच कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनय कुमार ने मामले में सफाई दी है। ये राज्य स्तर पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो GVK कंपनी जो 102 और 108 एम्बुलेंसेज का संचालन पूरे प्रदेश में करती है, इनके द्वारा कुछ फर्जी कॉल वगैरह कराई जाती है और उससे ज़्यादा बिल बना करके वसूला जाता है। इस तरह की कुछ शिकायतें राज्य स्तर पर प्राप्त हुई होंगी, तो वो सभी जनपदों में जो डेटा है भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए। तो 108 का पहले बात थी कि पहले 108 का डेटा वेरीफाई हो, तो करीब 17,000 के करीब 108 का है और लगभग इतना ही डेटा 102 का है, जिसको कि वेरीफिकेशन करने के लिए हमारे पास सभी जनपदों में भेजा गया।
खबर देवरिया से है, जहां बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह विकास भवन के गांधी सभागार में विकास निर्माण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आईटीआई के 10 छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट प्रदान किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय के साथ काम करें, जिससे कि ये जनपद प्रदेश में एक मॉडल के रूप में स्थापित हो। गाजियाबाद लोनी में किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं पुण्यतिथि में हिस्सा लेने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहुंचे, जिनमें तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राकेश पायलट की जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं किसान संघर्ष पायलट समिति का भी गठन किया गया, जो राकेश पायलट जी की प्रतिमा का रख रखाव करेगी। वहीं सभी ने एक राय होकर जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि किसान नेता स्वर्गीय राकेश पायलट प्रतिमा को किसी उचित स्थान पर लगवाया जाए। कहना क्या, पायलट साहब एक युग पुरुष थे, महापुरुष थे, लौह पुरुष भी कह दूंगा तो कुछ कम नहीं होगा। तो उनकी जो प्रेरणा है, भारतीय वीर दल उनकी प्रेरणा लेके चल रहा है। वो किसी जाति या किसी पार्टी विशेष के नेता नहीं थे, वो तो एक युग पुरुष थे, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। क्रेडिट कार्ड जो आज चल रहा है किसानों को जो मिला है, उसकी मांग राजेश पायलट साहब ने की थी और उन्हीं ने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। किसानों के लिए बहुत काम उन्होंने जीवन भर किया और सारे जीवन वो ईमानदार रहे। सबसे बड़ी बात ये रही, एक भी लंबे जीवन में उनके उनकी छवि पे दाग नहीं लग पाया। प्रयागराज के अटाला में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के बाद आज रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, जिसके चलते इलाके में सभी एंट्री पॉइंट्स को बैरिकेड कर दिया गया और मीडिया और प्रशासन के अलावा इलाके में सभी के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई। इसी इलाके में कल जो आपने घटना देखी थी, उसमें नाबालिग बच्चों को आगे करके और कुछ शरारती अराजक तत्व ईंट पत्थर फेंक रहे थे, उन्हें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी संयम से और हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग करके खदेड़ा, वहां से भगाया, ताकि आम जनता की सुरक्षा हो सके। उनके मंसूबे कुछ अलग थे, ये बात सामने आई है। उनके मंसूबे थे कि सब लोग इकट्ठा होकर के और तमाम क्षति कारित करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा गया। उसके बाद इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लेके थाना खुल्दाबाद पर 29 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 70 नामजद के अलावा 5000 अज्ञात लोग भी इसमें रखे हुए हैं। यहाँ सर्वे ये किया जा रहा है कि जो आरोपी लोग हैं उनके मकान जो हैं, मकान या दुकान जो भी है, उनका नक्शा हमारे यहाँ से पास है या नहीं पास है। अगर नहीं पास है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। अभी 37 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, तो उन्हीं का चिन्हीकरण अभी किया जा रहा है। नहीं, अभी एक ही हुआ है, किया जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं, अभी उसका जानकारी में नहीं है, चेक किया जाएगा। खबर अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां इन दोनों अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है। गरीबों की सुरक्षा का दावा भले ही स्थानीय पुलिस कर रही हो, मगर गरीब यहां बेघर किए जा रहे हैं। बता दें, ये पूरा मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के शिवतर गांव की है। घर खरीदे तो आधा ना देते, ताला बंद कर दे, भगावत मार दो, कहीं बंदूक खिला जाग दे, काठी नील गाग मार छो, तो मार ठंड मारी और पकड़ करी मारी वारे दौड़े। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर में शनिवार को थाना दिवस पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और आईजी के सत्यनारायण पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने जमीन के कब्जे की शिकायत सहित कुल 27 शिकायत पत्रों का अवलोकन किया और मौके पर 5 का निस्तारण के साथ बाकी मामलों को तहसीलदार सादपुर नीलम उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी सादपुर बलिराम को निर्देशित किया। को
गोंडा में बांध के धंधे के बड़ा खेल सामने आया है, जहां कागजों में चल रहे रेनकट भरने की कवायद हर साल होती है, लेकिन लोगों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। बांध को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए सरकार जहां करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जमीन गोंडा में बांध के नाम पर जमकर बंदर बांट हो रहे हैं। घाघरा की बाढ़ से बचाने के नाम पर बांध और उसके बचाव के नाम पर एक बड़ा खेल वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें अब तक करोड़ों का खर्च तो हुआ ही है, साथ ही इस बार भी बांध के नाम पर करोड़ों की लागत से परियोजनाएं संचालित है, लेकिन सकरौर भिकापुर बांध की हालत अभी भी काफी जर्जर है। बहुत दिक्कत होती है बाढ़ आने पर, हम लोगों को बांध पर या किसी छत पर या किसी दूसरे घर पर बसर करना पड़ता है। परसों आते हैं तो बहुत दिक्कत पड़ती है चारा में, और कहीं बांध पे या कहीं अलग ले जाकर दूसरे गांव में बांधना पड़ता है। खबर फरीदाबाद से है, जहां दिल्ली एनसीआर की औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिली है। वहीं फाउंड्री एसोसिएशन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन की तरफ से औद्योगिक इकाइयों में मेट्रोलॉजिकल कोक ईंधन के उपयोग करने की छूट मिलने पर आयोग का धन्यवाद किया। इसके लिए फरीदाबाद फाउंड्री एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। बता दें कि आयोग ने मेट्रोलॉजिकल कोक ईंधन के इस्तेमाल पर सहमति जताई। वहीं इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी। मेंबर पॉल्यूशन कमेटी फरीदाबाद फाउंड्री एसोसिएशन, सो आज हम यहाँ पे जो हमें सीए क्यूम से राहत मिली है, जिसमें हमारी फाउंड्रीज में यूज़ होने वाला फ्यूल मेटलर्जिकल कोक को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज हरियाणा से बाहर, गाज़ियाबाद, राजस्थान, जो भी एनसीआर क्षेत्र में पड़ती है, उन सब के लिए ही ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके लिए फाइट जो लड़ी है वो एक एफएफए ने अकेले अपने दम पे लड़ी है, विद ऑल द कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज जो हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं पॉल्यूशन बोर्ड के, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनके साथ मिलके। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है। वहीं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर गर्मी से परेशान होकर बंदरों ने स्टेशन पर बनी नाली को ही स्विमिंग पूल बना डाला। गर्मी से खुद को बचाने के लिए नाली में कूद कूद कर नहाते हुए और आपस में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।